गई धरती, पवन सिंह का हथियार देखा? नहीं, तूने देखा? हाँ मैंने देखा। कितना बड़ा था? नहीं मेरा मतलब कितने मिनट का था। क्या है कि आजकल बहुत छोटे छोटे गाने आ रहे हैं ना। देख लाला मौसा। ते का बुझले थूक के न चाटी ला। कोई बात नहीं, चाट के थूक दो। दोनों बेरा एकर पूजा भइल त नींबू खरबूजा हो गई। अच्छा हुआ कि तीन बार ना भइल, ना तो कटार हो जाता। कभी मेरा माफ। जातनी हम परदेश में कमाए। का बात कर रहे हो? जातर का जो ये देखो, मैडम अपने मर्द के लिए बर्तन में खाना लेकर आ रही हैं। हाँ, और बाकी लोग अपने मर्द के लिए खांची में गोबर। नहीं सही बात है, ये अपने मर्द के लिए खाना लेकर आई हैं तो बैठा कर खिला रही हैं, बाकी औरतें खांची में गोबर लेकर आई हैं खेत में डालने के लिए। हमेशा गलत मत सोचा करो, गोबर कौन खाता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे पे झलक रही है, ऐसा लगता है खा जाएगा। तू साले रोस्ट कर रहा है या आइडिया दे रहा है? नहीं मतलब लाखों रुपए मेकअप पे बर्बाद हो गया, उसके बाद भी लौंडे ना ताड़े तो पैसा बर्बाद झोपड़ी का। बात तो सही है। ले भाई, नींबू को खरबूजा बना के आठवां अजूबा बोल रही है। उस हिसाब से तो नम्रिता मल्ला 50वां अजूबा लेके घूम रही है। जिला के रंगदार के भड़ा पहतियार देवे नी। का बात कर रहे हो? जिला के रंगदार के भाड़ा पे हथियार देवे ला। क्यों, उनके पास अपना हथियार नहीं है क्या? अबे साले, वो बंदूक वाला हथियार देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहे हैं? वैसे लगता है मैडम को भी समझ में आ गया था कि कौन से हथियार की बात हो रही है। वापस आ जाओ उसी रिलेशन में, तो ये बंगला और ये गाड़ी तुम्हारा हो सकता है। अल्लाह माफ करे बेटा, बहुत घटिया डील किए हो। अरे मैंने हमेशा गलत चीज पर ही थूकना है? सौदेबाजी ये भाई साहब कर रहे हैं और मैडम थूक गाड़ी पे रही हैं, अब इसमें गाड़ी की क्या गलती है? हाँ थूकना ही है तो मुंह पर थूको। का बात कर रही हो? नथुनिया पे गोली मारे? तो नथुनिया पहन के मरवाती हो या निकाल के? नहीं मेरा मतलब ये है कि अगर नथुनिया पे गोली मारेगा तो आर पार नहीं हो जाएगा। तब तो बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। हाँ वैसे सैया जी, नथुनिया पे गोली मारने के लिए यही वाला बंदूकिया यूज करते हैं या फिर कौनो दूसर बंदूक रखे हैं? नहीं नहीं, पिचकारी वाला होगा। ये साला नहीं चुप रहेगा। नहीं। आधा लहंगा, बाकी आधा कहाँ गया भाई? अरे वो लगन चल रहा है ना। हाँ तो लगन का लहंगे से क्या लेना देना है? अरे आधा लहंगा शादी ब्याह में तंबू डालने काम आता है। अरे जवानी जब संदूक में रख दोगी तो 95 साल पुराने खपड़ैला जैसन तो लगोगी। सही बात है। अरे अगर संभाल में ना आ रहा हो तो गिरवी रख दो हमारे पास। तुम साले हमेशा अपने ही चक्कर में रहते हो हा? नहीं नहीं, हम बैंक में रख कर लोन ले लेंगे, मैडम की जवानी का भी आदान प्रदान होते रहेगा, शेयर मार्केट में तेजी भी आएगी और भारत की GDP भी मजबूत होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे अब घोड़ा के चाल बदल दो, साल बदल गई माल बदल दो। साल बदल गई माल बदल दो, ये तो बहुत बढ़िया योजना है भाई। हाँ सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री माल बदल योजना।
पता है ना आप सबको। हाउ वाला फोटो मतलब? अरे देख कर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वाला फोटो। नहीं मैंने कैसा कैसा फोटो भेजते हो यार? तब तो माल ने भी सलवार का फोटो भेजा होगा। नहीं एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही ना, अगर इधर से फोटो गया है तो उधर से भी आया ही होगा। बात तो सही है। नहीं इनका आँख नीला है तो ये सीला हो गई, अगर आँख लाल होती तब तब माल होती। क्या बात कर रहे हो? अरे तब तो हाउ वाला फोटो हुआ सब लोगों ने टीवी पर लगाकर फुल एचडी में देखा होगा। देखो इंटरनेट पे मत डाल देना वरना लिंक मांगने वालों की लाइन लग जाएगी। हाँ बताओ, और लोग मांगेंगे अभी कैसे कि लिंक का लिंक दो। अरे देखो मैडम, पहले डिसाइड करो कि आप लड़की हो या मूड फ्रेशर। लेकिन मूड तो बाथरूम में फ्रेश होता है ना। नहीं मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि अभी फ्रेश होके आता हूँ और ये बोलकर वो बाथरूम ही तो जाते हैं। तो साले तुमको फ्रेश और मूड फ्रेश में फर्क समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा मूड फ्रेश, बट उसके लिए तो ठेके पे जाना पड़ता है ना, लिटल लिटल दो पैक के बाद तो मूड फ्रेश हो ही जाता है। ताजा ताजा लंबा लंबा मोटा मोटा गरोई मछली। ताजा ताजा लंबा लंबा मोटा मोटा। अरे मैडम मछली का ही क्वालिटी बता रही हो ना? नहीं नहीं वो गरई की क्वालिटी बता रही हैं। अरे तो गरई भी तो मछली ही होती है ना। इनके पास गरई मछली है? नहीं। तो साले समझ जाना कौन से गरई की बात कर रही हैं। अभी को सही चीज से कंपेयर किए हो, गरम पतीला। तब तो नीचवा करिया होगा। नहीं पतीले की पेनी की बात कर रहा हूँ, पतीले के नीचे तो करिया ही होता है ना। ले जाइबा घरे खुशा होइ है ताहर प्यारी। अरे ले जा प्यारी ताहर जल्दी केवाड़ी बंद करी। जल्दी केवाड़ी बंद करी तो ये अकेला बाहर में का करेगा जब प्यारी केवाड़ी बंद करी तो? अबे साले इसको अंदर घुसा के केवाड़ी बंद करी। अंदर घुसा के? मेरा मतलब इसको अंदर घर के अंदर बुला के केवाड़ी बंद करे। अच्छा बुला के, मैं समझा घुसा के। भाई ये भोजपुरी है, यहाँ कहीं से भी चलोगे ना बिछला के सीधे ढोड़िए पे गिरोगे। हाँ और कहीं गलती से अगर थोड़ा सा जोर से बिछला गए तो सीधा कुआं में। ढोड़ी दूध के कटोरी है। हाँ और ढोड़ी का ही दूध पी पी करके भाई साहब बड़े हुए हैं। अरे वो तो ठीक है बट इनके मुआवा पे कौन पिचकारी मार गया? अरे अब घोड़ी के ढोड़ी में दूध ढूंढेंगे तो घोड़ा मुंह पे पिचकरिया मारेगा ना। नहीं मैंने कौन सा जाड़ है जो हाड़ छेदता है भाई? हाँ पिछवाड़ बोलते तो एक बार मान भी लेते। चौबीस के चुनाव हमारा ढोड़ी में हुई। हाँ तो अपना अपना ठप्पा खड़ा करके जाना, इस बार बटन नहीं दबेगा, इनके ढोड़ी के नीचे ठप्पा लगेगा। अरे वो तो ठीक है बट एक बूथ पे 4000 लोग ठप्पा लगाएंगे तो बूथ फट नहीं जाएगा? अरे इसकी चिंता सरकार पे छोड़, तू बस अपना ठप्पा तैयार रख। केले ढोड़िए में पार्टी, अब बताओ बिल्कुल सही और सटीक जगह है पार्टी करने की ढोड़ी? अरे ढोड़ी में अगर पार्टी करने में न मजा आए तो एक आध बीता ऊपर नीचे भी हो सकते हो। धरती चलो गाना शुरू करो। ठीक है। खाली ढोड़िए में डाल दी है खुला राजा, हमर पूरा खानदान गड़ा खुला राजा। ये भोजपुरी गाना है। क्या बात कर रहा है? हाँ ले सुन ले। खाली ढोड़िए में डालो दी हो खुला राजा, खाली लोहे में डालो दी हो खुला राजा।